सो गाइस, जैसे कि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, तो दोस्तों वन प्लस ने भी अपना एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड। लगभग 4999 में इसकी लॉन्चिंग हुई है और दोस्तों इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। 3 दिन से मैं इसे यूज भी कर रहा था, तो सारे स्पेसिफिकेशन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर इस वॉच को आप लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों बॉक्स को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलने वाला, एकदम क्लीन सा बॉक्स देखने को मिल जाता है, कहीं पे भी कुछ भी स्पेसिफिकेशन इसे नहीं दे रखे हैं। अब दोस्तों बॉक्स को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। पैकेजिंग दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली, यहाँ पे गेट मूविंग लिखा हुआ है। यहां से दोस्तों ओपन करेंगे तो स्मार्ट वॉच हमारी यहाँ पे रखी हुई है और दोस्तों मैं ऐसे यूज कर रहा था तो इस पे जो रैपर वगैरह था वो मैंने पहले ही हटा दिया था। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स और दे रखा है, उसे भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पे यहाँ पे दोस्तों कुछ कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं वन प्लस की तरफ से, ये वारंटी कार्ड है दोस्तों, एक स्टीकर में मिल जाएगा, यूजर गाइड भी देखने को मिल जाता है और दो कार्ड्स और दे रखे हैं और आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है। और दोस्तों केबल की बात करूं तो केबल काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मुझे काफी प्रीमियम टाइप का लगा है। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी ने भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। फुली मेटल के साथ इसका डायल बनाया है दोस्तों, क्राउन बटन भी इन्होंने मेटल से बनाया है। बैक साइड में दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का यूज किया और दोस्तों यहाँ पे आपको चार्जिंग पिन्स देखने को मिलते हैं, सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों कहीं पे भी आपको स्पीकर ग्रिल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं है। और दोस्तों स्ट्रैप की बात करूं तो स्ट्रैप मुझे काफी ठीक ठाक लगे, ज्यादा प्रीमियम तो नहीं लगे लेकिन ठीक ठाक स्ट्रैप इसमें आपको मिल जाते हैं, सिलिकॉन स्ट्रैप आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इस साइड भी आपको ठीक ठाक स्ट्रैप देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और दोस्तों बकल है वो फुली मेटल से बनाया है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ठीक ठाक लगे 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट में। तो डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगा 1.78 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले और दोस्तों 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आपको ये डिस्प्ले मिल रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको कोई भी लैग दिखाई नहीं देगा और दोस्तों काफी ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है। बेजल्स दोस्तों थोड़े से नीचे की साइड मुझे नैरो लगे और साइड में और ऊपर आपको ठीक ठाक बेजल्स देखने को मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो एन हेल्थ ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपकी बैटरी दिख जाएगी कितनी चार्ज है और दोस्तों यहां पे हेल्थ ओवरव्यू मिल जाएगा, हेल्थ ओवरव्यू में स्टेप्स काउंट दिख जाएंगे, कैलोरी बर्न दिख जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह दिख जाएगा और दोस्तों यहां पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड भी आपको शो होने वाला है। स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, स्टेप्स काउंट, कैलोरी बर्न और दोस्तों यहाँ पे हार्ट रेट, SPO2 मॉनिटर, वेट आपका जो भी है और वोमेन हेल्थ का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक्सरसाइज में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो भी आपने वर्कआउट किया है इंडोर आउटडोर वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखने वाला है। अगर आप प्रोफाइल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी वॉच का मॉडल नंबर, दोस्तों माई टारगेट मिल जाएगा, सेटिंग, हेल्प, एक्सपीरियंस, फीडबैक वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों होम में आप फिर से जा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप फेस गैलरी में जा रहे हो तो यहाँ पे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जो 100+ वॉच फेसेस इसमें आपको मिल जाएंगे और दोस्तों इसमें आपको पिक्चर लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐप की यूआई मुझे काफी ठीक ठाक लगे और दोस्तों काफी यूजफुल ऐप ये है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वॉच के फीचर और यूआई के। अगर आप स्क्रीन पे होल्ड करके रख रहे हो तो यहाँ पे 6 डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप इधर ही से चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आप इधर से स्वैप करो तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा एक्टिविटी और दोस्तों आपकी जो भी एक्टिविटी है वो ग्राफ में शो होने वाली है। अगर आप नीचे जा रहे हो तो दोस्तों सेट टारगेट और लर्न अबाउट एक्टिविटी आपको मिल जाता है। एक बार और आप स्वैप करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हार्ट रेट मॉनिटर और दोस्तों फिर से स्वैप करने पर स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 मॉनिटर मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है। एक बार और आप स्वैप करो तो आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे और दोस्तों ऊपर से स्वैप डाउन करने पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है। शॉर्टकट पैनल में सबसे पहले आप अपनी बैटरी को चेकआउट कर सकते हैं कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है। टॉर्च मिल जाता है, टॉर्च कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है और आपको मिल जाएगा DND का ऑप्शन, थिएटर मोड। अगर आप
थिएटर मोड को एक्टिवेट कर रहे हो तो आपकी वॉच की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और साइलेंट मोड पे आपकी वॉच चली जाएगी। और दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ से, आप अपने स्क्रीन टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं, और आपको मिल जाएगा दोस्तों कैलेंडर, इधर से डायरेक्टली आप अपने कैलेंडर को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों बेकअप एंड राइज इधर से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइंड फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों ब्राइटनेस इसमें काफी ज्यादा अच्छा मिला है, जब मैं इसे आउटडोर यूज कर रहा था तो मुझे साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों इसमें 550 निट्स ब्राइटनेस के साथ ये वॉच आपको मिल रही है, तो धूप वगैरह में अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों आपको मिल जाएगा सेटिंग, अगर आप सेटिंग में जा रहे हो तो सेटिंग में सबसे पहले आपको टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा ब्राइटनेस, स्क्रीन ड्यूरेशन, बेकअप एंड राइज का ऑप्शन मिल जाएगा, व्यू मोड, अगर आप व्यू मोड में जा रहे हो तो दोस्तों अगर आप सेलुलर व्यू कर रहे हो तो आपका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, अगर आप वॉटरफॉल व्यू कर रहे हो तो आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वॉटरफॉल व्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं, अगर आप लिस्ट व्यू कर रहे हो तो आपका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। यहां से दोस्तों आप सारे आइकन को अच्छे से देख सकते हो। और आपको वर्कआउट डिटेक्शन मिल जाता है, अगर आप वर्कआउट डिटेक्शन में जाए तो दोस्तों रिमाइंडर कर सकते हो, और टाइप में जा रहे हो तो दोस्तों आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो और रन भी यहां से ऑन कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा प्रीफ्रेंसेस, अगर आप प्रीफ्रेंसेस में जा रहे हो तो दोस्तों डीएनडी, थिएटर मोड, कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, बियरिंग डिटेक्शन, दोस्तों बियरिंग डिटेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो यहां से आप अपने सिलेक्ट कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना चाह रहे हो या राइट हैंड में। और दोस्तों आपको मिल जाता है सिस्टम, अगर आप सिस्टम में जा रहे हो तो अबाउट मिल जाएगा, रेगुलेटरी इन्फो, रीस्टार्ट मिल जाएगा, पावर ऑफ और फैक्ट्री सेटिंग देखने को मिलता है। नीचे से स्वैप अप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, अगर आप क्राउन बटन को प्रेस कर रहे हो तो आपको मेन्यू दिख जाएगा, मेन्यू में सबसे पहले वॉच फेसेस, एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, और दोस्तों यहां पे वन टाइम मेजरमेंट भी देखने को मिलता है, अगर आप वन टाइम मेजरमेंट को ऑन कर रहे हो तो हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर और दोस्तों स्ट्रेस मॉनिटर को वन टाइम में आप चेकआउट कर पाओगे। स्पोर्ट्स मिल जाएगा, अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से सारे स्पोर्ट्स मोड आप चेकआउट कर सकते हो, और दोस्तों मोर स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो यहां से आप अपने स्पोर्ट्स मोड को ऐड भी कर सकते हो। स्पोर्ट्स रिकॉर्ड मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर, वेदर मिल जाता है, और नोटिफिकेशन सेक्शन, म्यूजिक कंट्रोल और ब्रीथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वुमेन हेल्थ मिल जाएगा, कैलेंडर और दोस्तों कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक, पोमोडोरो टाइमर देखने को मिलता है, अगर आप पोमोडोरो टाइमर को ऑन कर रहे हो तो दोस्तों जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी बहुत साइलेंट मोड पे चली जाएगी, मतलब कि आप फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। कैमरा कंट्रोल मिल जाता है और सेटिंग। तो दोस्तों ये थे इसके यूआई ऑफ फीचर, 5,000 रुपए के हिसाब से कुछ फीचर इसमें मुझे मिसिंग लगे, जैसे इनबिल्ट गेम्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही दोस्तों इसमें आपको जीपीएस देखने को मिलता है, आप अपने फोन का ही जीपीएस यूज कर पाओगे, और दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। वॉच तो आपको IP68 रेटेड मिल रही है, तो जिम वगैरह में आप इसे यूज कर सकते हो, और दोस्तों पसीना वगैरह आपको आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोस्तों स्विमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ी थोड़ी बारिश में भी आप इसे यूज कर सकते हो। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जहां से आप अपनी कॉल को सिर्फ डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी मेरी वॉच जो है वो वाइब्रेट हो रही है, वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। और दोस्तों वेट की बात करूं तो वेट कोई ज्यादा नहीं है, ना ज्यादा इसे आप हैवी बोल सकते हो ना लाइट वेट बोल सकते हो। स्लीप ट्रैकिंग के लिए अगर आप इसे पहन के सो रहे हो तो दोस्तों सो सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको कोई इरिटेशन महसूस होगा। बेकअप एंड राइज काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैटरी बैकअप की बात करूं तो इन्होंने क्लेम किया था कि इसमें आपको 10 डे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब मैंने इसे यूज किया, सारी नोटिफिकेशन एनेबल करके इसे यूज किया, अगर आप इसे सारे नोटिफिकेशन एनेबल करके यूज कर रहे हो तो आपको 7 दिन बैटरी बैकअप ये देने वाली है, अगर आप इसे विदाउट नोटिफिकेशन एनेबल किए यूज कर रहे हो तो लगभग आपको 10 दिन का ये बैटरी बैकअप देने वाली है। एक्यूरेसी की बात करूं तो इसे मैं वर्कआउट करते टाइम भी यूज कर रहा था, मैंने दोस्तों ट्रेडमिल पे 100 स्टेप्स इसे पहन के रनिंग किया, लगभग इसने 125 बता दिया था, वहां पे दोस्तों लगभग मैं 25 या 30 स्टेप्स का डिफरेंस दिखा था। हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर को भी मैं चेकआउट कर चुका हूं, वो काफी अच्छे से वर्क करे, मैं आपको एक रियल टाइम टेस्ट भी करके दिखा देता हूं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अगर आप इसे एक्यूरेसी के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में अभी 69 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, अभी 68 हो चुका है, दोस्तों यहां पे 73 दिख रहा है,
तो दोस्तों कोई ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा है, काफी ज्यादा एक्यूरेट इसने रीडिंग शो किए हैं। और दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन की बात करूं तो मेरी वॉच में अभी 99% दिख रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 97% दिख रहा है। तो दोस्तों यहां पे भी मुझे काफी ज्यादा एक्यूरेट ये वॉच लगे है। दोस्तों हर वीडियो में बोलता हूं ये वॉच सिर्फ आइडिया लेने के लिए होते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वॉच पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है। तो स्ट्रेस मॉनिटर की बात करूं तो अभी 27 दिख रहा है, नॉर्मल ह्यूमन का लगभग इतना ही होता है। वन टाइम मेजरमेंट भी दे रखा है, उसे भी एक बार चेकआउट कर लेते वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सो स्टार्ट मेजरिंग करेंगे, कंफर्म करेंगे तो तीनों जो हार्ट रेट मॉनिटर एस्पिरेटरी मॉनिटर भी मेजर करके बताएगा। यहाँ पे दोस्तों 115 सेकेंड आपको देना पड़ेगा। तो इसे वन टाइम मेजरमेंट जब मैंने किया तो हार्ट रेट 66 दिखा रहा है, SpO2 मॉनिटर 97 दिख रहा है, और दोस्तों स्ट्रेस मॉनिटर 32 दिख रहा है। तो इसे सरफेस पे भी रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या मेजरमेंट आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसने एक एरर शो कर दिया, सॉफ्ट सरफेस पे भी दोस्तों इसे रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग शो होती है। यहाँ पे भी दोस्तों इसने एक एरर शो कर दिया, तो एक्यूरेसी में काफी अच्छी ये वॉच मुझे लगी है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था लगभग मैं से 3 दिन से पूरा यूज कर रहा था। तो दोस्तों वॉच के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एडवांटेज वॉच के मुझे ये लगे कि इसमें आपको डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, और दोस्तों काफी ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले है और कोई भी लैग आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को नहीं मिला है, और दोस्तों काफी वॉच ऐसे आ रहे हैं जिसमें 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट में ब्लूटूथ कॉलिंग एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। कुछ फीचर मुझे मिसिंग भी लगे, जैसे इनबिल्ट जीपीएस नहीं मिलेगा, गेम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और दोस्तों 5000 रुपए की ये वॉच है इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिल रहा है। 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट में दोस्तों देखा जाए तो वन प्लस ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। दोस्तों इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग तो आपको मिलना ही चाहिए था। तो दोस्तों यही था वन प्लस नॉर्ड वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।